हेलो एवरीवन, क्लास सेवेंथ. आज हम करेंगे अपने जीके का फर्स्ट असाइनमेंट. दिस इज द सॉल्व्ड असाइनमेंट. मैंने आपको ऑलरेडी एक अनसॉल्व्ड असाइनमेंट प्रोवाइड किया था, ये उसी के आंसर्स इसमें हम देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. द आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग. ओके, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा है जो है वॉरेन हेस्टिंग्स. ये क्वेश्चंस आपको कॉपी पे भी करने हैं, लर्न भी करने हैं, ताकि जब मैं आपका टेस्ट लू तो आप इजीली ये टेस्ट हम एज अ क्विज लेंगे. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जवाब देना होगा. जो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जवाब देगा वही विनर होगा. ओके देन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. आंसर इज गणेश वासुदेव मावलंकर. फर्स्ट स्पीकर पूछा गया है लोकसभा का, जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे. आंसर इज सुकुमार सेन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पूछे हैं इंडिया के कौन थे. आंसर इज वल्लभ भाई पटेल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे. आंसर इज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन. क्वेश्चन नंबर सिक्स. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स. यानी कि आर्मी के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं. द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट होते हैं वही सुप्रीम कमांडर होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन. व्हाट इज द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. जो आर्मी स्टाफ होते हैं उसमें जो रैंक होती है, हाईएस्ट रैंक ऑफ द चीफ. तो यहाँ हाईएस्ट मिसप्रिंट है, बट जो हाईएस्ट रैंक पूछा है इसमें, हाईएस्ट रैंक ऑफ द चीफ, आंसर इज जनरल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एट. हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र. परमवीर चक्र का फर्स्ट विनर, जिन्होंने सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त किया था, वो कौन थे. दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा. आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा. नाउ आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी. हमारे इंडियन आर्मी के प्रेजेंट चीफ कौन है. आंसर इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. राइट डाउन द आंसर, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. नाउ क्वेश्चन नंबर टेन. Who is responsible for national defense? National defense के लिए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन responsible होते हैं. Answer is the government of India. 11th question. Which organ is affected by malaria? हमारा कौन सा organ malaria से effective होता है. Answer is lungs. हमारे lungs malaria में ज्यादा affected होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स. कौन सी कंट्री की आर्म फोर्स सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है. आंसर इज चाइना. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, ताजा पानी की झील कौन सी है. द करेक्ट आंसर इज वुलर लेक. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई. आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे पहले. आंसर इज सीडी देशमुख. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. हु वाज द फर्स्ट किंग टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. वो पहले राजा कौन थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड क्वाइन इश्यू किए थे. आंसर इज खुशहानास. जो खुशहानास के किंग थे
उन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्वाइन इशू किए थे? क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO recently categorized coronavirus as, coronavirus को WHO ने अभी recently किस category में रखा है? Answer is pandemic. ठीक है, coronavirus को एक pandemic माना गया है. Question number 17, what is India's rank in inclusive internet index 2020? इंटरनेट इंडेक्स 2020 में इंडिया की कौन सी रैंक है? द आंसर इज 46. क्वेश्चन नंबर 18, नेटुना आइसलैंड समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच रीजन? जो आजकल हमने न्यूज में नेटुना आइसलैंड के बारे में पढ़ा सुना है, जो कि कभी कभी दिखाई देता है, तो वो किस रीजन में है, कौन से एरिया में आता है? आंसर इज साउथ चाइना सी. ठीक है, साउथ चाइना सी में नेटुना आइसलैंड को देखा गया है. क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO's एग्जीक्यूटिव बोर्ड? यानी कि WHO के चेयरमैन, मतलब उनका चार्ज इस वक्त किसने लिया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो इंडिया में? आंसर इज हर्षवर्धन. क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इज सेट अप इन विच सिटी? इंडिया का पहला टर्टल यानी कछुए को रिहेबिलिटेशन मीन संरक्षण, कछुए के संरक्षण के लिए कौन सा सेंटर किस सिटी में बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज भागलपुर बिहार. बिहार में टर्टल रिहेबिलिटेशन का फर्स्ट सेंटर सेटअप किया गया है. ओके, now your first assignment of GK has been completed. Do it in your GK notebook and learn it also. I will test you on Zoom class as a quiz. Okay, best of luck. Bye, take care.